चले फिर पिज्जा खाने। चलो गाइस, आज वो दिन है जब हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। भाई मैं बताऊं आज भी क्या हुआ। नहीं वो हम बाद में बताएंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से पिज्जा की वाली जगह मिली है। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं पिज्जा खाने, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें टेबल नहीं मिली थी पिज्जा की, तो आज लकीली हमें मिल गई, बट उसमें भी एक ट्विस्ट है, अभी आपको आगे चल के बताते हैं। चलें जल्दी, चलो चलो जा, पहले रेडी हो जाओ। अरे भाई एक तो तू पता है हमेशा ऐसे करता है, चलो चलो जल्दी चलो। लोग निकल गए हैं बट द फन पार्ट इज वो आधे घंटे में बंद होने वाला है और हम थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि हमने बहुत लास्ट मिनट प्लान बनाया था और हमने कॉल करके पूछा अगर टेबल मिलेगी या नहीं। उसने टेबल भी मिल गई। हाँ, और भाई वो बाद में बताएंगे, अभी जो फन हुआ है हमारे साथ भी। हम लोग ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, अरे हम लोग कैब से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग लेट हैं और कैब 10 मिनट में हमें पहुंचा देगी। अभी आप ये समझ लो कि हमारा बहुत मन कर रहा है खाने का और बहुत टाइम से कर रहा है। हाँ, तो अभी जो रेस्टोरेंट है उन पे हमने फोन करके पूछा था कि हम कितना लेट आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा आओगे तो हम आने नहीं देंगे। हाँ, वो एकदम प्रॉपर इटालियन प्लेस है, छोटी सी कोजी सी, अभी दिखाते हैं आपको चल के। एज अ रीजन वो पिज्जा मेरा अल्टीमेट फेवरेट पिज्जा है। उधर से आएगी, चेक करना एक बार उबर वाली आप पे। टैक्सी टैक्सी आ रहा है। हाँ वही यार, आ जाओ आ जाओ। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आज सुबह एकदम ठंड नहीं थी, एकदम गर्मी तो नहीं बट नॉर्मल था, बट अभी एकदम से हवा चलने लगी है बहुत ज़्यादा। अभी बताना है फन पार्ट। हमारे साथ इतना फनी हुआ है आज, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी ऐसे डिलेमा में बैठी कि क्या हो रहा है। अरे पिछले हफ्ते से भी पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पिज्जा खाने जा रहा है। पूछा ये पिज्जा खाने चल रहा है, मैंने कहा भाई तुम पहले रिजर्वेशन करा ले, हम फिर देखेंगे। तुमने कॉल करा वही जैसे पिछली वाली वीडियो आपने अगर देखी है तो, और जिसने नहीं देखी वो देख ले पहले, तो उन्होंने मना कर दिया कि टेबल नहीं है हमारे पास, और फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं शायद नहीं है टेबल। फिर मुझे हुआ कि यार एक बार आप ट्राई करो, मैंने निमिषा को बोला तू कर कॉल, क्योंकि लड़कियों का ना थोड़ा होता है लड़कियों की बात मान जाते हैं लोग, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। निमिषा ने फ़ोन किया अपने नंबर से, और फिर अपने नंबर से इसने फोन किया, फिर नॉर्मल बात करी और जर्मन में भी नहीं की, थोड़ी बात टूटी फूटी जर्मन और इंग्लिश में बात करी, और जब मैं जर्मन में भी कर रही हूँ इतनी तेज हंसा बंदा भाई खुश मिजाज होके मेरे को कहा हाँ टेबल है तुम आ जाओ, मेरे को ऐसे खड़ूसों की तरह बात कर रहा नहीं है टेबल नहीं है ओके बाय, इसको मस्त हंसी मजाक ही जर्मन नहीं आती हंस रहा है, उसको बोला हाँ टेबल है इतने बजे ठीक है आ जाओ, और तो हमें टेबल मिल गई। तभी हम फिर जल्दबाजी में फिर जा रहे हैं फटाफट से, 28-25-30 मिनट तो लगते हैं ट्रेन से क्योंकि वॉकिंग भी है फिर ट्रेन है, तभी इसलिए हमने बोला फटाफट कैब मंगाओ और चलो पिज्ज़ा दिखाएंगे आपको मस्त वाला एकदम, बहुत अच्छा पिज्ज़ा है वो। इधर इधर राइट में पहुंच गए हम और ये है वो जगह। सारी जगह खाली पड़ी, हमें कह रहा एंट्री नहीं है मतलब जगह नहीं है, तो हम लोग पहुंच गए हैं। ये थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था क्योंकि हम लेट आए थे, बट हम बैठ गए, हमने अपना ऑर्डर कर दिया। पिज्ज़ा का नाम है पिज़्ज़ा ट्रफल ऑयल, उस पिज़्ज़ा के ऊपर ना ट्रफल ऑयल होता है तो बड़ा सही लगता है खाने में। निमिषा ने अपने लिए कोक मंगाई थी। इसके ऊपर चीज की शेविंग्स देख रहे हो कैसे गिरे हुए हैं, इन्होंने चीज डाला हुआ मस्त। कैसा लग रहा है? मस्त बाय। यार इसकी चीज ना तो मुंह में घूमती रहती है, खाती ही नहीं है। जो रेगुलर पिज्जा होता है ना उनसे बहुत डिफरेंट है, पर लेकिन इंडिया वाले डोमिनोज की बात अलग है और कोई बीट नहीं कर सकता। इसकी एक स्लाइस पिज्जा की इतनी बड़ी है, एक खाने के बाद ही ऐसा होता है कि अब होने वाला है, और वो पिज्जा ऑलरेडी इतना बड़ा है। क्या वो थक गए?
उसकी मोज़रेला में चबाए जा रही हूँ, वो वहीं घूम ही जा रही है। अभी जैसे हम आए, उस बंदे ने ध्रुव को थोड़े फिर गुस्से में रिसीव करा। मैं ना हिंट्स कैच कर रही थी कि दो बार उसने फ़ोन करा, उसने रिजर्व भी नहीं करने दिया, ये आया। वो इसको देख के और गुस्सा हो गया। ऐसा तो करता क्या है, बंदा तेरे पे आने नहीं दे रहा। मैं बताती हूँ, जैसे मेरी प्लेट ऐसे होती है, मैं कोई साइड्स नहीं छोड़ रही इस पिज्ज़ा की, और इसकी प्लेट देख लो ऐसे होती है, ये हमेशा साइड्स छोड़ के जाता है। भाई वो नाराज़ हुआ है तेरे से कि तू उसके पिज्ज़े का अपमान कर रहा है। अपमान क्या इसने? आधे से भी कटेगा वो। ये बाइट्स को ना जेब में डालेंगे और ले जाएंगे। बहुत क्यूट कैफे है गाइस। हम याद है समर्स में इनकी बाहर वाली सीटिंग पे यहाँ पे बैठे थे। गर्मी में बड़ा मजा आता है यहाँ पे, मस्त धूप होती है। अभी तो ठंड है बहुत, तो इसलिए सब लोग इधर अंदर बैठते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है बेल पासो बिस्ट्रो। चलें जी घर। चलो चलो, हो गया हमारा। हाँ। फटाफट आए खाने, अब निकल रहे हैं हम घर। किधर जाना है? अरे हाय ठंड बहुत है। नहीं शायद हमें लग ही रहा है, भैया तो सही है। वो इनका क्लोजिंग का टाइम होता हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। उन्होंने फिर 9:30 की हमारी रिजर्वेशन ली क्यों? वो किसी और अंकल ने ली थी, जो एक और यहाँ पे ना बुढ़े अंकल काम करते हैं, वो बड़े स्वीट हैं, वो अच्छे हैं, और ये थोड़ा सा खड़ूस है, तो हो सकता है इस ये अगर ये फ़ोन उठा तो देता नहीं। पर इसने भी तो बात करी थी फ़ोन पर। हाँ इसने, यही तो हंस रहा था मेरे ऊपर। पर हम 9:30 बजे से भी लेट गए थे, हम 10 मिनट लेट पहुँचे थे इसीलिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पिज़्ज़ा देख के अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आएगी। और जो जो लोग हैमबर्ग में हैं पक्का यहाँ पे आना, पिज़्ज़ा का नाम है ट्रफल ऑयल और ट्राई करना। हाँ पिज़्ज़ा का नाम है ट्रफल ऑयल और बहुत अच्छा है। हैमबर्ग में और भी हैं, हमने ट्राई नहीं किया, बट हमें करने चाहिए। अच्छा जिसको पता है तो हमें रिकमेंड कर दो। हाँ आज का वीडियो इतना ही, छोटा सा वीडियो था, बट आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो फिर आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में।